कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे माइनर चिल्ड्रन बच्चे स्पेशली गर्ल्स डॉटर्स ये कहां पे सेफ है? ये अपने माँ बाप की बाहों में सेफ है, अपने रिश्तेदारों के घर सेफ है, या कि रिलीजियस फादर के शेल्टर होम में सेफ है? इस मौजूद पे हम आज तफसील से बात करेंगे। कुछ यूं है कि अभी भी इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा जिसमें लिखा हुआ है कि नवी मुंबई की शेल्टर होम है उसके मुताबिक उसका आर्टिकल आया है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एक गुमनाम लेटर मिलता है जिसमें इतला दी जाती है कि ये जो शेल्टर होम है गर्ल्स का 45 गर्ल्स रह रही है इस शेल्टर होम में जो कि एक पेस्टर फादर चला रहा है जो चर्च के तहत है और वहां पे उन मासूम बच्चियों के साथ तकरीबन 3 बच्चियों का जिक्र आया है उनके साथ मोलेस्टिंग हो रहा है गलत व्यवहार हो रहा है इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने नवी मुंबई पुलिस के साथ इस शेल्टर होम पे पर्सनल विजिट की। नवी मुंबई पुलिस ने 55 ईयर पेस्टर यानी फादर पादरी को अरेस्ट किए क्योंकि उन्होंने पाए जैसा कि न्यूज़पेपर में बताया गया है कि 3 लड़कियों को बम लगाने के बहाने वो अप्रोप्रिएट प्लेस पे टच करता था जिसके तहत ये 55 इयर्स का पेस्टर फादर पादरी मुजरिम करार पाया है और उसे नवी मुंबई पुलिस ने अरेस्ट की। इस फादर की 55 इयर्स फादर की अरेस्टिंग हुई है अपॉन द रिटन कंप्लेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस ने बताया कि जब हम ये शेल्टर होम गए तो वहां हमने 2 कमरों में 45 गर्ल्स बच्चियां रहती हुई पाई गई जो कि अनहाइजेनिक था यानी कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था बहुत खराब था और ये जो मासूम बच्चियां थी माइनर छोटी बच्चियां थी मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स फ्रॉम पुअर फैमिली। मुझे ये बात कहते हुए बहुत ही शर्म आ रही है और बहुत ही नाराजगी का इजहार हो रहा है मेरे से कि ये जो रिलीजियस फादर था पेस्टर था इन बच्चियों को अपने कमरे में बुलाता था बाम लगाने के लिए ऑयल लगाने के लिए और जब ये गलत हरकत करता था और जब ये बच्चियां मुजामत करती थी तो वो कहता था कि ये स्पिरिचुअल हो रहा है और इस तरीके से पुलिस ने इत्तला दी। ये 55 साल फादर 14 साल बच्ची को पिछले जून 2021 से हैरेस कर रहा था इस तरीके से हैरेस कर रहा था और ये बच्ची ने जब अपनी जबान खोली तो पता चला यही व्यवहार ये 55 साल फादर मजीद 2 बच्चियों के साथ कर रहा था। इसके लिए पुलिस ने इस फादर को इस पेस्टर को अरेस्ट करी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इंटू ब्रैकेट पॉक्सो 2012 के तहत इसको अरेस्ट किया गया है। अब ये तो लंबी छुट्टी पे चला गया। बींग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी हम रिक्वेस्ट करेंगे मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से हम रिक्वेस्ट करेंगे डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर नवी मुंबई कि आप स्टर्न एक्शन लो इस गिल्टी पेस्टर 55 इयर्स फादर के खिलाफ और हम रिक्वेस्ट करेंगे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि सबसे पहले ये शेल्टर होम का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो और जो ऑफिसर्स अटैच टू नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड और लोकल पुलिस स्टेशन जो इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने एनओसी दिए इस शेल्टर होम को जो के फहाशी का अड्डा बना हुआ था सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो क्योंकि ये फादर ने 45 जो बच्चियों को लाके रख रहा था 2 रूम में वो अनहाइजेनिक था रहने के लायक ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये फादर
चर्च के बहाने, अपने पेस्टर फादर होने के बहाने ये सिर्फ ये बच्चियों को इलाके यहां रख रहा था ताकि ये कैलकुलेशन बता सके यूएस में, यूके में, कनाडा में, जर्मनी में एंड अदर क्रिश्चियन कंट्रीज, ताकि वहां से डॉलर आ सके, स्टर्लिंग आ सके, पाउंड आ सके। ये सब ढकोसला है, गरीबों की मदद करने का ढकोसला है। और इस ढकोसले के आड़ में ये शेल्टर होम बनाते, अपनी फहाशी भी करते हैं और बहुत ज्यादा माल भी कमाते। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट के सीएम, डिप्टी सीएम, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर नवी मुंबई ये इमीडिएट स्टेन एक्शन लेंगे। अब ये फादर तो अरेस्ट हुआ है, पॉक्सो में गया है, 5-10 साल की तो उसकी छुट्टी हो ही गई है, मगर सबसे पहले वहां जितनी बच्चियां हैं उसको रेस्क्यू करो, उनको आजाद करो। अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो शेल्टर होम है, चिल्ड्रन होम है, उसमें ट्रांसफर करो। सबसे पहले इस यूट के शेल्टर होम पे लॉक लगाओ। खुदा हाफिज।